नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में आपके साथ। मैं हूँ निशा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अलग अलग एरियाज में घूमकर हम लोगों से बात करते हैं और उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। तो आज अनंतपुरा क्षेत्र में हम आए हुए हैं। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे वो क्या शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, क्या है उनके सपने, क्या है उनकी उम्मीदें। और दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए हम आ गए हैं एक रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप पर, तो इनसे हम जान लेंगे। सर, आपका नाम बताएं। विनोद कुमार। सर, आप ही का है काम, ये आप ही का बिजनेस है? जी। तो कितने टाइम से कर रहे हैं सर ये काम? 22 साल हो गए। 22 सालों से कर रहे हैं, बहुत लंबा समय हो गया आपने बिजनेस को। तो क्या सोचा था सर, यही डिसाइड किया था कि बिजनेस करेंगे या कुछ और आपकी प्लानिंग थी? बिजनेस की प्लानिंग थी। बिजनेस की प्लानिंग थी। तो जो सपना देखा, जो सोचा, वो करके दिखाया। तो सर, कितने संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट। सपना आपका पूरा हो गया है। इसके अलावा क्या ख्वाहिश है सर जीवन में, और क्या हासिल करना? बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो परिवार को कुछ शांति मंगल रखना। अपने कितने बच्चे हैं सर आपके? दो, एक लड़का एक लड़की। तो उनके लिए क्या सोचा हुआ है सर? उनके लिए अच्छी जॉब के लिए सोचा है। चाहते नहीं अपने आपके बच्चे जो आपके बिजनेस नहीं, को नहीं, 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 क्योंकि इतनी समय नहीं मिलता परिवार को, इतने के लिए समय नहीं मिलता जी। तो कहीं ना कहीं ये शिकायत है कि समय आप नहीं निकाल पाते। समय नहीं निकाल पाते क्योंकि बिजनेस के अंदर समय नहीं दे पाते परिवार को। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, इन्होंने अपना सपना तो पूरा किया, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर चीज़ के अपने फायदे नुकसान होते हैं। बिजनेस में इनकम अच्छी है, अर्निंग अच्छी है, लेकिन समय आप नहीं निकाल पाते। तो ऐसा ही कुछ ये सोचते हैं, और इन्हें लगता है कि इनके जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाई लिखा करके ये लायक बनाए, अच्छी जॉब करवाए, लेकिन बिजनेस में नहीं लाना चाहते, क्योंकि इन्हें पता है कि बिजनेसमैन जो होता है उसके पास कभी कभी अपने परिवार के लिए भी वक्त नहीं होता। हालांकि स्थितियाँ हैं, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग बातें। तो प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आप देख सकते हैं, अब हम एक बेकरी शॉप पर हैं, तो इनसे जान लेते हैं। सर, आपका नाम बताएं। हितेश मित्तल। आपका खुद का बिजनेस है? जी बिल्कुल। कितने टाइम से कर रहे हैं? 5 ईयर। 5 ईयर से कर रहे हैं। तो ड्रीम क्या था जब बिजनेस में आप उतरे, उससे पहले क्या सोचा हुआ था? उससे पहले मेरा एक ड्रीम था, वो था क्रिकेटर बनने का। अरे वाह। मैं राजस्थान क्रिकेट लेवल भी खेला हुआ हूँ। तो राजस्थान में आप स्टेट लेवल खेले हुए हैं और क्रिकेटर बनने का आपका शौक था। तो किस तरह से फिर ये जो सपना है वो आपने अधूरा छोड़ करके ये बिजनेस वाली लाइन में? प्रॉब्लम थी और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से उसको चेंज करके हम इसमें लगे, अपने बिजनेस में लगे। तो अभी कितना सेटिस्फेक्शन है, या कभी कभी लगता है क्रिकेटर बनता तो ज्यादा बेहतर होता? ठीक है, जो इतना जो है वो ठीक है, उसमें उसके हम ये रहते हैं, यानी सिचुएशन के हिसाब से जो हुआ उसमें आप सेटल हो गए हैं। सेटल हो गए बस। चलिए, आगे के लिए अब क्या प्लानिंग है, क्या सोचा हुआ है? बस यही है, शॉप है जो है इसे आगे बढ़ाएंगे। और पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो कौन से ऐसे सपने जो पूरे करने हैं, अभी क्या क्या ख्वाहिशें हैं हमारे जीवन? पर्सनल लाइफ में कुछ भी नहीं है, जो है वैसे है, जो सब ठीक है, चल रहा है बस। चलिए, तो क्रिकेटर बनने का आपका सपना था, एक सिचुएशन आपको देते हैं, अगर आपको मौका मिले तो फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपके, जिनके साथ खेलना चाहिए? विराट कोहली। विराट कोहली के साथ। तो दोस्तों, ऐसा होता है कई बार लाइफ में कि हमारे जो सपने होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं, हम उनका पीछा भी करते हैं लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ, क्रिकेटर बनने का इनका सपना, स्टेट लेवल तक ये खेले लेकिन उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाए। आज अपना बिजनेस कर रहे हैं और अब चाहते हैं कि इसी बिजनेस को आगे बढ़ाएं, यहीं पर सेटल हो जाए और अपने परिवार को और अपने जीवन में खुशियां ये ला सके। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती, और दोस्तों, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब एक मोबाइल शॉप पर हम आ गए हैं, तो इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? नितिन कुमार गोयल। सर, कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं ये? 1994 से। बहुत लंबा समय हो गया है। तो क्या सोचा था सर, बिजनेस ही करना था या कुछ और आपका? स्टार्टिंग से बिजनेस ही करना था। स्टार्टिंग से बिजनेस करना था। तो सर, किस तरह से इंस्पिरेशन आई, बैकग्राउंड फैमिली का बिजनेस का था या आपका खुद का सपना? एक्चुअली पहले हमारी थी मोबाइल रिपेयर, उसकी टीवी रिपेयरिंग की शॉप थी हमारी। उस वक्त टीवी और रेडियो वगैरह सही करते थे पिताजी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमने सोचा कि यार इसी बिजनेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो धीरे धीरे कैसेट वगैरह का कर करके, फिर उसके बाद सीडी डीवीडी वगैरह करके, फिर धीरे धीरे मोबाइल ट्रेंड के साथ बदलते हैं। आपने किया अपने बिजनेस को, तो बहुत पुराना सर आपका बिजनेस, तो ऑब्वियस सी बात है सेटिस्फेक्शन तो होगा। अगर आपसे पूछा जाए, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सेटिस्फाइड है, बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाइड। इसके अलावा पर्सनल लाइफ की बात अगर आपसे करें तो क्या ऐसे शौक है या कौन से ऐसे सपने जो अभी तक अधूरे जिन्हें आप आगे पूरा करना चाहते हैं? सपने तो काफी सारे हैं, अभी फिलहाल तो इसकी ब्रांच डालने की सोच रहे हैं बिजनेस के अलावा। बिजनेस के अलावा तो ऑब्वियसली बातें ग्रो आप करेंगे ही, पर्सनल लाइफ में क्या ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक अधूरी है? अभी तक सारी पूरी हो चुकी है ऊपर वाले की दुआ से। आगे के लिए कुछ बड़ा सपना? बड़ा सपना यही है, बस इसको ही ग्रो करना है, हमें इसकी ब्रांचेस खोलनी है, तो यही आगे। तो इनका जो सपना था वो इन्होंने पूरा किया, ये चाहते थे कि अपना खुद का ये बिजनेस करे, तो इनका बड़ा सारा अपना बिजनेस है, लाइफ में सेटिस्फेक्शन, और चाहते हैं कि इसी काम को ये आगे बढ़ाए और लाइफ में जो खुशहाली है वो इसी तरह से बनी रहे। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे अब इनसे जानते हैं। सर, आपका नाम?
नरेंद्र सामरिया। सर जॉब करते हैं यहाँ पर या आपकी का बिजनेस है? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। तो क्या सोचा था लाइफ को लेकर के, ड्रीम क्या थे, क्या एम्बिशन थे? बहुत सारे ड्रीम थे, जैसे महंगाई के बढ़ते हुए तो ड्रीम भी क्या करेगा। नहीं सोचा तो आपने कुछ ना कुछ होगा ना, बनने का, क्या बनने का सोचा था? क्या बनने का सोचा था? बिजनेस करने का सोचा था, क्या करें बिजनेस करने का सोचा था। वैसे कर पाते हैं। तो अभी आप जॉब कर रहे हैं, आगे के लिए प्लानिंग है कि अपना बिजनेस करेंगे? चलिए बहुत बढ़िया। और क्या क्या ऐसे शौक है या कौन से ऐसे सपने जो अभी तक अधूरे हैं? शौक तो कुछ भी नहीं है, क्या शौक रखेंगे अब? सपना कोई है आगे, कुछ हासिल करना चाहते हो जीवन में, कोई बड़ा सपना? बहुत सारी चीज होती है। क्या है टारगेट, क्या है नेक्स्ट टारगेट? यही अच्छे जगह जाके, अच्छे पोजीशन पे, अपन जो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसी पोजीशन पे जाके अपने आप को सेटल करना चाहते हैं। यानी कि इनका जो सपना है वो अपने बिजनेस से जुड़ा हुआ है, फिलहाल ये जॉब करते हैं, लेकिन आगे चाहते हैं कि अपना खुद का बिजनेस हो, अपना खुद का बड़ा काम हो और अपने सपनों को ये पूरा कर पाए। और दोस्तों प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हैं, इनसे जानते हैं। सर आपका नाम बताएं? संजय भोला। तो सर जैसा कि मैं देख पा रही हूँ ज्वेलर्स आप अपना बिजनेस है आपका जी। तो कितने टाइम से ये आप बिजनेस कर रहे हैं? खानदानी बिजनेस है हमारा। okay. शुरू से ही है, सन 1947 से कोटा में ही है। आपने सर कब से ज्वाइन किया इस बिजनेस? इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया है करीबन 8 साल हो गए यहाँ पे। 8 साल हो गए। तो सर डिसाइडेड था कि बिजनेस ही करेंगे या कुछ और आपने सोचा? नहीं, बिजनेस ही करने का डिसाइडेड था क्योंकि खानदानी काम था, सेठ जी सुनने की आदत थी मुझे। पहले मैंने इंजीनियरिंग की हुई है वैसे, तो मैंने जॉब की थी रिसमेंट में, बट मुझे करना ही बिजनेस ही था। हाँ जी, तो वो मैंने सिर्फ 1.5 साल जॉब की, उसके बाद फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे मुझे 8 साल करीबन हो गया। तो सर लंबा टाइम आपको हो गया है, जो आपका मन था वही काम आपने बिल्कुल, किया बिल्कुल। तो कितना सेटिस्फेक्शन है सर? 110%। क्या बात है, बिल्कुल। इसके अलावा सर पर्सनल लाइफ की बात करें, वर्क फ्रंट पे तो आप सेटल हैं, पर्सनल लाइफ में कौन सी ऐसी एम्बिशंस हैं जो अभी अधूरी है जिन्हें आप आगे पूरा करना चाहते हैं? यही बिजनेस से रिलेटिव है, कुछ बड़ा करना है। बिजनेस तो सर ऑब्वियस सी बात है, आप ग्रो करेंगे, पर्सनल लाइफ में कुछ? असल लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं, कुछ ड्रीम्स हैं, हाँ बड़ा घर हो, ऑडी वगैरह है, कुछ कार है, ठीक है, बंगला गाड़ी का जो सपना है वो कहीं ना कहीं अभी दिल में है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो हमारी तरफ से सर बेस्ट विशेस। और दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि अपने फैमिली बिजनेस को इन्होंने ज्वाइन किया, जॉब भी किया, लेकिन कहते हैं कि मन जहां इंसान का लगता है आखिरकार हम वहीं पर ठहरते हैं। तो अपने बिजनेस को इन्होंने ज्वाइन किया, आगे बढ़ा रहे हैं और आगे सपना है कि अपना खुद का बंगला हो, बड़ी सी गाड़ी हो, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो किस तरह की कोशिशें कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और अब दोस्तों प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से आइए रूबरू होते हैं। तो सर नाम बता दें अपना? विक्रम। विक्रम जी काम करते हैं आप यहाँ पर? ओके, तो कितना टाइम हो गया काम करते हुए? 1 साल। 1 साल हो गया। तो पढ़ाई वगैरह? पढ़ाई नहीं करते। कहाँ तक पढ़ाई की है? 8 तक। 8वीं तक। तो क्या सोचा है अब जीवन में, सपना कुछ है बनने का? कुछ नहीं सोचा है? हाँ मैं दुकान खोलेंगे, अपना खुद का बिजनेस करेंगे। ओके, तो किस तरह से फिर कोशिश कर रहे हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए? यहाँ काम करते हैं, यहाँ पे काम करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर अपना बिजनेस आप शुरू करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा और क्या क्या सोचा हुआ है जिंदगी में, क्या क्या करने, क्या सपने हैं जो पूरे करना चाहते हैं? सपने तो कुछ नहीं है। सपने कुछ नहीं है? चलिए, इन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया ठीक तरीके से कि इन्हें लाइफ में करना क्या है, फिलहाल ये जॉब कर रहे हैं और चाहते हैं, ख्वाहिश ऐसी इनके मन में है कि अपना खुद का ये बिजनेस करें। तो हमारी बेस्ट विशेज इनके साथ, और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम बता दें? नमस्ते। नमस्ते, नाम बता दे सर? नाम सुरेश जी। सर कितने टाइम से किराना स्टोर चला रहे हैं? 26-27 साल हो गए। 26-27 साल हो गए। हाँ, तो सर सपना क्या देखा था, क्या बनने का सोचा था जीवन में? सपना तो बिजनेस ही करने का था, वो पापा जी ने बोला कि आप ये बिजनेस करो जी, तो उसमें हम आ गए। तो अब बिजनेस करने का सपना था, पापा से गाइडेंस ली और आप अपने बिजनेस में उतर गए। तो लंबा समय सर हो गया बिजनेस को, कितनी संतुष्टि है? संतुष्टि है, परिवार आराम से चलता है, खर्चे सब मेंटेन हो जाता है, मैनेज हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा सर कौन सी ऐसी ख्वाहिश है, निजी जिंदगी की अगर बात करें तो क्या ऐसे सपने या कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक अधूरी जिन्हें आप आगे पूरा करना चाहते हैं? मैडम ख्वाहिशें तो हो जाती है इसमें जी, है ना, कुछ रुकती नहीं है, बाकी तो सब मैनेज हो ही रहा है, सब मैनेज हो ही रहा है। चलिए, तो इनकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन है, अपना बिजनेस ही कर रहे हैं, किराना स्टोर इनका है और लंबे समय से अपने बिजनेस को कर रहे हैं, लाइफ में सेटिस्फेक्शन है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। और आगे कुछ और लोगों से जा रहे हैं कि उनकी लाइफ में सब कुछ कैसा चल रहा है। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे अब रूबरू होते हैं इनसे और जानते हैं। सर नाम बता दें अपना? उमेश भाटिया। सर कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं? यहाँ 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो सर ड्रीम लाइफ का अगर पूछा जाए आपसे तो क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचा था?
नहीं, जो सोचा सब पूरा हुआ ना। क्या बात है, यही सोचा था कि बिजनेस करेंगे। नहीं, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, लाइफ अच्छी है। तो सेटिस्फाइड है सर काम से, लाइफ से? सब सबसे सेटिस्फाइड है। ऑलराइट, तो सर क्या सीक्रेट है आपकी जिंदगी का, कैसे अपने आप को खुश रखते हैं, कैसे? सीक्रेट सब कुछ है, देखो खुश रहते हैं वही सबसे बड़ा सीक्रेट है, उसी में मजा आता है। यानी खुश रखो और खुश रहो, खुश रहना चाहिए। ऑलराइट, और इसके अलावा सर कोई ऐसी ख्वाहिश है, कोई ऐसा सपना है जो अभी तक आपका अधूरा हो, जिसे आप आगे पूरा करना चाहते हैं? मेरे हिसाब से तो सारे पूरे हो गए, सब पूरे हो गए। तो बिजनेस हो गया, शादी होगी, बच्चे हो गए, इससे ज्यादा और क्या सब कुछ सेटल है। तो दोस्तों इनकी तरफ से अगर पूछा हमने जब इनसे, तो जवाब इस तरह का आया कि सब कुछ सेटल है, अपना खुद का बिजनेस है, फैमिली में सब कुछ सेटल है, बच्चे हैं, परिवार है और खुशियां हैं। सबसे बड़ी बात है ये खुशियां इनके जीवन में है, ये खुश रहते हैं और लोगों को खुश रखा करते हैं, तो ऐसा इनका लाइफ का मोटिव है। और आगे कुछ और लोगों से जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में। और दोस्तों आगे अब कौन है हमारे साथ, आइए बात करते हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम ज्योति है। ओके ज्योति जी, क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, हाउसवाइफ है। पढ़ाई करती हूँ। ओके, पढ़ाई आप करती हैं, तो कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं, क्या पढ़ रही हैं? सेकंड ईयर पढ़ रही हैं। सेकंड ईयर पढ़ रही हैं, तो क्या सोचा है लाइफ में, सपना क्या है जीवन में? टीचर बनने का। टीचर बनने का सपना है, तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली मैम? शुरू से यही सोचा था कि घर वालों ने बोला कि अपनी पढ़ाई आगे करो, टीचर बनने की थोड़ी सी इच्छा है हमारी। ओके, तो घर वालों ने भी इंस्पायर किया और आपकी खुद की भी लगन है, तो टीचर बनने का आपका सपना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, कोशिश आप कर रही हैं, कामयाब भी होंगी। इसके अलावा कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो अभी अधूरी है टीचर बनने के अलावा? कोई ऐसा सपना है और कुछ हासिल करना चाहती हूँ जीवन में? और कुछ भी अच्छा नहीं। चलिए, तो खुशहाली अगर आपसे पूछी जाए, कितनी खुशहाली है जीवन में? खुशहाली है, अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है। चलिए, इनकी जो प्यारी सी मुस्कान है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी लाइफ में खुशहाली है, और इनका जो सपना है टीचर बनने का उसकी तरफ ये कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है, फैमिली का सपोर्ट है, तो एक दिन अपने सपने को ये जरूर पूरा करेंगी। और प्रोग्राम में आगे हम कुछ और लोगों से जानेंगे उनके सपनों के बारे में। और दोस्तों आगे किराना स्टोर पर हमें, तो इनसे जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। सर नाम बताएं अपना। सुनील जैन। सर कितने टाइम से कर रहे हैं बिजनेस? 30 साल हो गए। तो फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया है आपने, खुद ने एस्टेब्लिश किया बिजनेस को? फैमिली पापा जी भी शुरू से यही करते हैं, हमने शुरू से यही काम किया है किराने का ही। तो फैमिली बिजनेस को आपने ज्वाइन किया, तो सर बिजनेस तो आपका घर का ही था, आपने कभी सोचा कि कुछ और मैं अलग करूँ, यही सपना था कि बिजनेस को ही ज्वाइन करेंगे? यही सपना था, डिसाइडेड था। तो अपने सपने को सर आपने पूरा किया, आगे भी बढ़ाया अपने काम को। इसके अलावा आपके जीवन की बात करें, पर्सनल लाइफ की, तो कौन सी ऐसी चीज है जो अभी तक अधूरी है, क्या ऐसा है जो अभी तक हासिल करना बाकी? नहीं मैम, ऐसी कोई अधूरी नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है सर आगे के लिए? सब बढ़िया बढ़िया, टाइम टाइम सब बढ़िया काम हो रहा है, सब फिक्स हो जाता है। संतुष्ट है अपने लाइफ। क्या बात है सर, संतुष्ट है, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? और तो क्या मैसेज दे, अच्छे रहो, खुश रहो और बस। क्या बात है, तो दोस्तों ये अपनी लाइफ से पूरी तरह सेटिस्फाइड है, अपना बिजनेस ये जो है इन्होंने आगे बढ़ाया, अपने बिजनेस को अपना काम कर रहे हैं, घर परिवार में सब कुछ खुशहाल, और एक आम आदमी को इतना ही चाहिए होता है अपनी लाइफ में, तो इन्हें वो मिला जो इन्होंने चाहा। और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से जानेंगे कि वो अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं और उसे हासिल कर पाए हैं या नहीं। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कौन है हमारे साथ। सर नाम बताएं अपना। मेरा नाम सनी सेन है जी। तो सर आपका सलून नहीं है? जी मैम। कितने टाइम से रन कर रहे हैं सर? यहाँ पे 20 ईयर हो चुके हैं। 20 ईयर्स हो चुके हैं आपको। तो सर ड्रीम हर किसी की लाइफ का कुछ ना कुछ होता है, आपने भी सोचा होगा, तो क्या सपना था आपके जीवन का? मैम सपना तो काफी कुछ था। क्या था सर काफी कुछ, वही जानने आए हैं आज। मैम मेरे से तो आर्मी में जाने का था, लेकिन शरीर भी उस तरीके से नहीं था, और ये फैमिली बिजनेस यही है, तो पापा के बाद मुझे संभालना है। तो ओके, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिर आपने अपने बिजनेस को ज्वाइन किया, तो आर्मी में जाने का जो सपना था सर वो कहीं ना कहीं तो अधूरा है। मैम उस तरीके से बॉडी को मैं मेंटेनेंस नहीं कर पाई इस वजह से। जी, तो कभी लगता है कि अगर वो सपना पूरा होता तो बेहतर होता, या आप सेटल हो गए अपने काम में? मैम अपने काम में सेटल हो चुका। अब सेटल हो चुके हैं, तो कितना सेटिस्फेक्शन है सर अगर आपसे पूछा जाए? मैम मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन जब से मार्केट में ये फ्लाई ओवर वगैरह बने हैं तो मार्केट काफी डाउन है मैम। जी, तो कहीं ना कहीं वो एक इशू है आपके पास? इशू है मैम, जैसे कि 2 साल पहले कोरोना काल से पहले बहुत अच्छा काम था मार्केट में, काफी कुछ था। बिल्कुल, चलिए सर ये बिजनेस है, अप डाउन चलते रहते हैं, पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, तो हॉबीज क्या क्या है सर आपकी? मैम मेरी खेल कूद में हॉबीज है, गाने सुनना भी हॉबीज है। क्या बात है, किस तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं सर? पुराने गाने सुनना। पुराने गाने, फेवरेट सिंगर कौन है सर? मैम सिंगर वगैरह में किशोर कुमार है। क्या बात है, किशोर दा के फैन है, तो कोई दो लाइन हो जाए उनके गाने की, किसी भी गाने की। ये मत बोलिए मैम, बता। चलिए, तो किशोर दा के ये फैन है, और इनका जो सपना था वो था आर्मी में जाने का, वो कहीं ना कहीं अधूरा रहा, लेकिन अपने फैमिली बिजनेस को इन्होंने ज्वाइन किया, और अब इनका सपना ये है कि अपने इस बिजनेस को ये और आगे लेकर जाएं, और बड़ा बनाएं, और अपने सपनों को पूरा करें।